Good morning, student. Today I am telling about multiple by 11. Okay, बच्चों, आज हम आपको 11 से किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट कैरिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 39 मल्टीप्लाई 11. फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि 39 इनको 3 इन डैश 9, 3 और 9 के बीच में आपको ब्लैंक्स यानी थोड़े स्थान छोड़ देना है. देन ऐड टू डिजिट, देन ऐड बोथ डिजिट. कौन कौन सी जिनके बीच में आपने डैश छोड़ा ना, तो वो नंबर्स कौन है, 3 एंड 9. देन ऐड 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12. 12 के 2, ओके, 12 के 2 एंड कैरी 1. सो राइट 2 इन द ब्लैंक्स. 3 एंड 9 के बीच में आपने जो थोड़ी सी डैश लगाया ना, उस जगह आपको 2 रखना है एंड कैरी ऐड टू नेक्स्ट डिजिट 3. ओके, तो ऐड 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4. सो राइट फाइनल आंसर इज 429, यानी 429. क्या किया मैंने, आप सबसे पहले 3 एंड 9 दोनों डिजिट के बीच में मैंने डैश लगाया है. देन ऐड बोथ डिजिट यानी 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12. 12 राइट 12 के 2 राइटिंग इन द ब्लैंक्स एंड वन कैरी है ना, तो वन कैरी ऐड टू 3. तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4. सो राइट फाइनल आंसर इज 429. इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड 40 इंटू 11. फर्स्ट स्टेप में वही करना है, 4 एंड 0 के बीच में डैश, देन 4 प्लस 0 यानी ऐड बोथ डिजिट. 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4. ओके, इसमें कोई कैरी नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि सीधे इसका जो आंसर होगा, फाइनल आंसर इज हो जाएगा 440. ओके बच्चों, यदि यहाँ पर कैरी होता है तो कैरी को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट 4 में ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कैरी नहीं है, इसलिए आंसर इज 440 होगा. इसी प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज है जिसमें 4 क्वेश्चन दिए, जैसे 62 इंटू 11 एंड 69 इंटू 11. तो 62 को भी आप इसी तरह 6-2, ओके, देन 6 प्लस 2, ओके, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8. तो 6 और 2 के बीच में 8 को रख देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 682. इसी प्रकार से 69 इंटू 11, सबसे पहले 6-9, ओके, फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ऐड बोथ डिजिट. 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15. कितना है बच्चों, 15. तो 15 के 5 कहाँ लिखेंगे, 5 राइट इन डैश, जहाँ पर आपने डैश लिखा 6 एंड 9 के बीच में क्या लिख देंगे, 5 एंड कैरी वन हुआ ना, तो उसको आप किस में प्लस कर देंगे, 6 में. तो 6 में जब 1 कैरी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7. फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 759. ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आप ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करेंगे. ओके, और बच्चों डेली आपको अपना वर्क अपने क्लास ग्रुप में भेजना है. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.